गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सी वॉल हैंगिंग बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, देखिए, सीज़र, ग्लू, स्केच पेंस, पेंसिल, इरेजर, पेंट ब्रशेस, एक ग्रीन पेपर, एक वुडन स्टिक, वाइट शीट्स और एक कार्डबोर्ड और वाटर कलर। अगर आपके पास वाटर कलर नहीं है तो आप एक सिंपल बच्चों वाले जो वाटर कलर आते हैं रंगीला के, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी कलर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक वाइट शीट ली है, इस पर हम एक ट्री ड्रॉ करेंगे। ओके, हमने वाइट शीट ली है, इस तरह से इस पर हम एक ट्री ड्रॉ कर लेंगे। ट्री ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसको हम ब्राउन पेंट से पेंट करेंगे। देखिए, हमने ये ट्री ड्रॉ करने के बाद इसको ब्राउन पेंट से पेंट कर लिया है और इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए, अब हम ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे, इसको भी हम ब्लैक पेंट से पेंट कर लेंगे। देखिए, हमने कार्डबोर्ड को ब्लैक पेंट से पेंट कर लिया है और इसको हमने सुखा लिया है। अब हम देखिए, ये जो हमने ट्री काटा है इसको हम यहाँ पे इस तरह से, देखिए इसको, देखिए हम इस तरह से कार्डबोर्ड के टुकड़े पर पेस्ट करेंगे। देखिए, हमने ग्लू लगा ली है, इसको अब हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। इसको भी हम 2 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, हमने इस तरह से एक वाइट पेपर का टुकड़ा लिया है, इसको हम ग्रीन वाटर कलर से पेंट कर लेते हैं। देखिए, हमने कलर कर लिया है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ग्रास ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने इस तरह से ग्रास की कटिंग कर ली है, इसको भी हम देखिए यहाँ कार्डबोर्ड पे इस तरह से नीचे पेस्ट करेंगे, दोनों साइडों पे, देखिए इधर भी इस तरह से, देखिए यहाँ पे भी हम इस तरह से ग्रास पेस्ट करेंगे। देखिए, हमने इस तरह से पूरे पे नीचे ग्रास पेस्ट कर दी है, इस तरह से देखिए हमारा वॉल हैंगिंग अभी लग रहा है। तो अभी हम बाकी की डेकोरेशन करेंगे। देखिए, हमने इस तरह से एक ग्रीन पेपर लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड करना है ऐसे, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ से देखिए इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीस काट लेंगे। अब देखिए,
इस तरह से देखिए इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से इस तरह से। अब एक बार हम इधर वाली साइड को और एक बार इधर वाली साइड, इस तरह से। अब देखिए नीचे से हम इसको फ्लावर के शेप में काट लेंगे। इस तरह ऐसे ऐसे ही दूसरा फ्लावर काट लेते हैं। अब देखिए हमने ग्रीन स्केच लिया है, सेंटर में थोड़ी सी हम शेडिंग करेंगे। इस तरह से देखिए। अब हम देखिए हमने ये वुडन स्टिक ली है, इसको हम हर पेटल पे इस तरह से रख के दबाएंगे, इस तरह प्रेस करेंगे थोड़ा सा। इस तरह ऐसे ही दूसरा फ्लावर भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और इन दोनों फ्लावर्स को इस तरह से आपस में पेस्ट कर देंगे। इस तरह से, इस तरह से हम काफ़ी सारे फ्लावर्स रेडी कर लेते हैं। देखिए हमने काफ़ी सारे फ्लावर्स बना लिए हैं, इनको अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से पेस्ट कर लेंगे सभी को। इस तरह से देखिए आप अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। जितना हमारा ट्री भरा भरा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से हम सभी फ्लावर्स को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से देखिए, और देखिए मैंने ये कुछ बर्ड्स भी बनाकर रखे हुए हैं, इनको भी हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे और इसको हम यहाँ पे बैठा देते हैं ऐसे, और ये जो पीकॉक है इसको हम यहाँ नीचे ग्रास में, इस तरह से देखिए। ठीक है, चाहे कहीं भी आप बैठा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं इस तरह से। तो अभी हम सबको पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से फ्लावर्स और बर्ड्स सभी को पेस्ट कर दिया है। पीकॉक भी हमने यहाँ ट्री पे ही बैठा दिया है। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पीछे की तरफ थोड़ा सा थ्रेड लगा लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से एक पेपर लिया है, थोड़ा सा थ्रेड लिया है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे और यहाँ ऊपर पीछे की तरफ लगा देंगे ऐसे हैंग करने के लिए। देखिए इसको हम थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, ये साइड पे आ गया है इस तरह से। देखिए हमारी देखिए वॉल हैंगिंग जो है वो रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरह से सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाइए। थैंक यू।